हेलो दोस्तों, आप लोगों का डाउनलोड और इंस्टॉल सीरीज में स्वागत है, जहां पर आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जावा के लिए जेडीके को डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसका पाथ सेट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉयड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है जावा जेडीके डाउनलोड फॉर विंडोज 10, क्योंकि मैं यहां पर जावा को इंस्टॉल कर रहा हूं अपने विंडोज 10 में। तो उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो पहला जो रिजल्ट आएगा जावा एसी डाउनलोड, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहां पर इसे क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लिया। अब यहां पर आप जाएंगे तो सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको ऊपर में दिखेगा, जावा एसी 16। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे साइड में तो लिखा हुआ है ओरेकल जेडीके और उसके नीचे लिखा हुआ है जेडीके डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, जेडीके डाउनलोड में क्लिक करना है। पर आप नीचे जाएंगे तो और भी जो है वर्जन आपको यहां पर मिल जाएंगे, पर यहां पर दोस्तों मैं लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर जावा एसी 16 लिखा हुआ है और यहां पर साइड में ओरेकल जेडीके लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है जेडीके डाउनलोड। तो मैं यहां पर जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो नीचे जैसे ही आप आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे लिनक्स के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, विंडोज के लिए करना है। तो मुझे विंडोज के लिए करना है और 64-bit का मेरा सिस्टम है, पर मैं यहां पर क्लिक करूंगा विंडोज X64 इंस्टॉलर में, क्योंकि मेरा सिस्टम 64-bit का है। पर आपको क्लिक करना पड़ेगा यहां पर जेडीके 16.0.1 विंडोज X64_bin.exe में। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें वो आपसे टर्म एंड कंडीशंस को क्लिक कराएगा। तो आपको यहां पर जो है क्लिक कर देना है। यहां पर लिखा हुआ है आई रिव्यूड एंड एक्सेप्ट द ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाइसेंस एग्रीमेंट, और उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और यहां पर मुश्किल से 13-14 सेकेंड दिखा रहा है। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आप वेट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस एरो में क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये जो है सिस्टम से कुछ परमिशन मांगेगा, तो मैं यहां पर यस कर लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही यस करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू द इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर जावा एसी डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो आपको यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर लोकेशन दे रहा है कि किस लोकेशन पे आपका जावा इंस्टॉल होगा, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए क्योंकि पाथ सेट करते समय आपको आसान होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मेरे सिस्टम में ये सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर जावा और उसके अंदर जेडीके 16.0.1 फोल्डर में यह इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहां पर क्लोज बटन पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब अगर आपको चेक करना है कि मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। ठीक है, और यहां पर आप लिखें जावा सी। जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर। अगर यहां पर कुछ आउटपुट आता है और जावा सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आता है तो समझ जाइए कि आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो चुका है, और अगर जावा सी नॉट फाउंड आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, या फिर आपने इंस्टॉल तो कर लिया है पर पाथ सेट नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर मैं जावा सी लिख रहा हूं तो देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में जो है जावा सी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है। इसका मतलब कि मेरे सिस्टम में जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या है, सपोज दैट कि आपका कुछ पुराना विंडो है और उसमें आप इंस्टॉल कर रहे हैं या और भी कुछ कारण हो सकता है, उस केस में यहां पर नहीं दिखा रहा है।
ठीक है, जावा सी लिखने पे कुछ नहीं आ रहा है, और आपने क्या किया है कि आपने जावा को इंस्टॉल भी कर लिया, जेडीके को इंस्टॉल भी कर लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करें उसके लिए, आप जो है अपने सी ड्राइव पे चले जाएं और यहां पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कहां इंस्टॉल हुआ था, जावा, जावा, ठीक है, और उसके बाद जेडीके 16.0.1 के अंदर आपका बिन है, तो आप इसके पाथ को क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, हो सकता है आपके केस में माई कंप्यूटर दिखाए, ठीक है, फिर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, फिर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे जो सिस्टम वेरिएबल है वहां पर जब आप आएंगे तो आपको एक पाथ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको एडिट करना है, और फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट पे चले जाना है और सेमी कॉलोन देके आपको क्या करना है, उसे पेस्ट कर देना है। तो आप देखिए मैंने सेमी कॉलोन देके पेस्ट कर दिया, सी कॉलोन प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 16.0.1 और बिन, और फिर यहां पर सेमी कॉलोन लिख देना है, और फिर आपको ओके करना है, फिर इसे भी ओके कर दीजिए और इसे भी ओके कर दीजिए, तो आपका पाथ भी जो है सेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कैसे जावा के लिए आप जेडीके को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और कैसे पाथ सेट करेंगे। अब मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, सिंपली क्लास फर्स्ट जावा प्रोग्राम, मेरे क्लास का नाम है फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, सिंपल एक प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड का, और मेरे प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहां पर मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूं और यहां पर मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कहां है, डेस्कटॉप में है। अब मैं लिखूंगा जावा सी, ठीक है, और यहां पर मेरे प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जावा फर्स्ट जावा प्रोग्राम, मतलब क्लास फाइल का नाम। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसका मतलब मेरे सिस्टम में जावा बिल्कुल 100% प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, आप बगल में जो बेल आइकन है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।